यहाँ पे चंद्रयान 3 बनाने का निर्णय लिया गया है। आपसे बता दें कि हजियापुर मोड़ पे है, यहाँ पे अगली साल बता दें जो बुर्ज खलीफा बना था दुर्गा पूजा पंडाल का, जी हाँ उसी का बात कर रहे हैं, दुर्गा पूजा पंडाल का अगली बार यहीं पे हजियापुर मोड़ पे है और यहाँ पे बुर्ज खलीफा बना था जो गोपालगंज नहीं पूरे बिहार में अपना नाम अलग पहचान बनाया था। फिर से वहीं पे हम पहुँच चुके हैं हजियापुर में और हजियापुर मोड़ पे देख सकते हैं ओवर ब्रिज है यहाँ पे जस्ट बगल में, इसी पे बनाया जाता है। इधर कैमरामैन से करेंगे, इधर से थोड़ा सा फोकस करेंगे, यही ओवर ब्रिज है, यहीं पे बनाया गया था हर साल की भांति इस साल पे बुर्ज खलीफा। और यहाँ पे जो पीछे दिखाएंगे आपके जस्ट कैमरामैन से करेंगे, इधर दिखाइएगा, यहाँ पे चंद्रयान 3 बनाने का निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो हजियापुर मोड़ है यहाँ के जो संस्थापक है और यहाँ के जो दुर्गा पूजा कमेटी जो के सदस्य हैं लोग, और हर एक साल के अलग अलग नई नई पहचान बनाने में अपना नाम आगे रखते हैं, कहीं ना कहीं गोपालगंज का भी नाम आगे होता है। जो देख सकते हैं ये इस बार चंद्रयान 3 बनाने का निर्णय लिया गया है और काफ़ी हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं इस साल जो लॉन्च किए चंद्रयान 3 उसी के तर्ज पर ये पंडाल बनाया जा रहा है और दुर्गा पूजा के तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा दुर्गा पूजा पंडाल में चंद्रयान 3, जो आपने हकीकत देखा है, जो हमारे भारत के जो उन वैज्ञानिकों मैं सलाम करूँगा जो अपने चंद्रयान 3 पर उतारा है, वहाँ पर खोज किया है और जस्ट हमारे गोपालगंज के जो हजियापुर मोड़ पर का है, जो यहाँ के पूजा कमेटी का जो सदस्य है, जो इस बार भी चंद्रयान 3 बनाने का जो निर्णय लिया है वो काफ़ी हमारे दिल से और हमारे दर्शक के तरफ से वो सराहनीय है। तो कहीं ना कहीं हर साल की भांति नए नई खोज करती हुई हजियापुर मोड़ के जो पूजा पंडाल के समिति के लोग हैं वो अलग अलग पहचान ले कर हर साल आते हैं। तो अगली बार का बात बता दें कि यहाँ पर बुर्ज खलीफा बनाया गया था और इस बार यहाँ पे चंद्रयान 3 बनाया जा रहा है। तो आप लोग से मैं यही अनुरोध करूँगा कि जब भी आए यहाँ पे तो इस बार भी हर साल की भांति अपना प्यार आशीर्वाद और देते रहें और मेला ज़रूर घूमें और यहाँ पे आएँ तो माता रानी का दर्शन करें और जो भी सहायता हो अपने 1 रुपया 2 रुपया अपना सहायता ज़रूर करें। और हम कैमरामैन से करेंगे, थोड़ा इधर फोकस करके दिखाइएगा जो कितने दूर तक बनाया गया है और कितनी दूर दूर से यहाँ पे जो कारीगर हैं, अभी कारीगर धूप की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार भी अपनी आप में एक नई नीति लेकर पहुंचने वाली हजियापुर मोड़ के पूजा पंडाल है। और पूजा पंडाल इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर एक साल की भांति इस साल भी यहाँ के पूजा पंडाल चंद्रयान 3 है और चंद्रयान 3 बनाने का निर्णय गोपालगंज वासियों को देखने को मिलेगा और हमारे बिहार वासियों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग हजियापुर मोड़ के अगल बगल हैं तो ज़रूर आएंगे और देखेंगे और हमारे पूजा पंडाल के समिति के द्वारा आपसे हम बताएंगे जो यहाँ पे चंद्रयान 3 बनाया गया। और देख सकते हैं यहाँ पे जो कितने सारे एकदम अच्छी तरीके से जो वहाँ तक हम अकुलक रहे हैं कि 100 फीट के दूरी पे लंबाई बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 100 फीट की दूरी है और ऊँचाई की बात करें तो ऊँचाई 50 फीट है। तो कहीं ना कहीं ऊँचाई के लेके और लंबाई को चंद्रयान 3 का जो निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में और गोपालगंज वासी के लिए और हजियापुर मोड़ पर का जो अपना नाम है वो हर साल की भांति इस साल भी अपना नाम आगे करने में लगी हुई है, हर साल करती है। तो कहीं ना कहीं इस साल भी अपना नया लेके चंद्रयान 3 पर जो अपना सेम टू सेम कॉपी उतारने का काम किया है तो हजियापुर के जितने सारे लोग या इस समिति के सदस्य हैं और ऐसी सोच लाने के लिए उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपालगंज के दर्शक को देखने को मिलेगा और पूरे बिहार के दर्शक जो यहाँ पे आएंगे और देखेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी बड़ी है। और थोड़ा सा जब थोड़ा सा और काम इसमें शुरू हो जाएगा तो आपसे दिखाएंगे हम कि कैसे बन रहा है। अभी तो फिर इसका ढांचा तैयार किया गया है और जस्ट आपसे बताने का मैं सोच रहा था कि बता दें कि गोपालगंज में चंद्रयान 3 बन रही है। तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 को लेकर हम अभी भी आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को लेकर आपको दिखाना था इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन अभी पंडाल का काम शुरू है लेकिन अभी बनने में टाइम है। तो कहीं ना कहीं अभी 15-20 दिन टाइम है बनने में, 15-20 दिन के टाइम में पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तो बस 5 दशहरे चढ़ने से मेला होने से 5 दिन पहले आपसे फिर हम दिखाएंगे जो कैसे बन के तैयार है उसका भी वीडियो में मिलेगा आपको। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे जैसे लेटेस्ट न्यूज आपको हम देते रहेंगे और इस पंडाल के बारे में बताते रहेंगे कि कब कैसे कहाँ का क्या बन रहा है, इसी जानकारी के साथ जुड़े रहें और ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें जिनको जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी मिल जाए और इस दशहरे के मेला में माँ दुर्गा आपकी हर कामना पूरी करें, मेरी यही आपसे विनती है।